गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स ओके नाउ वी हैव ऑलरेडी डन आर एक्सरसाइज 5.3. अब हम अपनी नई एक्सरसाइज करेंगे विच इज़ 5.4. पॉइंट फोर आई होप आपके प्रोटेक्टर्स आर रेडी विथ यू क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपके प्रोटेक्टर्स के यूज स्टार्ट हो जाएंगे ओके okay. पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं व्हाट इज़ दी कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज किसी भी एंगल को जब भी हम मेजर करते हैं तो उसमें हम मेजरमेंट लिखते हैं जो भी नंबर होगा जैसे सेवेंटी थ्री अगर एंगल का मेजरमेंट है और उसके ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट लगाते हैं जिसको हम कहते हैं डिग्री ठीक है तो ये हम इस तरीके से किसी भी एंगल की डिग्री को लिखा जाता है कि जो भी न्यूमेरिक न्यूमरल नु, फॉर्म है वो हम लिखेंगे और उसके ऊपर एक डॉट लगाएंगे तो ये एंगल ये शो करता है एंगल का मेजरमेंट जैसे ये है 73 डिग्री या मैं कहूँ राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है 90 डिग्री या स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है वन एटी डिग्री तो ये इस तरीके से लिखा जाता है नंबर के ऊपर राइट हैंड साइड पे टॉप पे पॉइंट लगा दें तो ये डिग्री मेजरमेंट इस तरीके से डिपिक्ट किया जाता है ठीक है अब हम सीखते हैं कि एक पूरा रिवोल्यूशन कितना होता है एक पूरा सर्किल ठीक है एक पूरा सर्किल अगर मैं ड्रॉ कर लूँ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू तो दिस ये होता है टोटल थ्री सिक्सटी डिग्रीज ओके दिस इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट कि एक पूरा सर्किल 360 डिग्री होता है ठीक है अगर मैं इस पूरे 360 डिग्री को ये जो पूरा 360 डिग्री है इसको मैं हाफ में डिवाइड कर दूं तो ये आधा आधा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 180 डिग्री और ये हो जाएगा 180 डिग्री तो ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल अगर आप ध्यान से देखें तो तो ये ऐसा स्ट्रेट एंगल हो गया ठीक है तो इसका मेजरमेंट कितना होगा 180 डिग्री तो मैं ये कह सकता हूं कि जो स्ट्रेट या लीनियर एंगल है उसका मेजरमेंट कितना होता है 180 एटी डिग्रीज ठीक है ये भी जो सीधी लाइन खींची इसका ये मेजरमेंट इज इक्वल टू 180 एटी डिग्री और ऊपर वाला मेजरमेंट भी 180 एटी डिग्री तो ये टोटल अगर मैं गोल घूम के आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 360 सिक्सटी डिग्री जैसे यहां पे हुआ ओके अब इसी 360 सिक्सटी डिग्रीज को ये 360 सिक्सटी डिग्री मैंने यहां पे बनाया गोल और इसको मैंने चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया इस बार ठीक है तो एक हिस्सा कितना हो गया 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री ठीक है ये चारों नाइन्टी डिग्री हो गए इसके अंदर और अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका राइट right एंगल बन जाता है राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल एंड राइट एंगल तो मैं अगर एक राइट right एंगल इसमें से निकाल दूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि राइट right एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो होता है नाइन्टी डिग्री ओके okay, तो ये तीन कॉन्सेप्ट आपको याद रखने मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल इज़ 90 मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट एंगल इज़ 180 और फुल रिवोल्यूशन अगर पूरा एक एंगल है जो पूरा गोल रिवोल्यूशन है वो होता है 360 डिग्री ठीक है और जितना न्यूमेरिकल में डिग्री बड़ा होगा उतना ही बड़ा एंगल होगा सपोज करो मैंने ये एक एंगल बनाया विच इज़ फोर्टी डिग्रीज और ये एक एंगल बनाया विच इज़ सेवेंटी डिग्रीज तो अब मुझे बताओ कौन सा एंगल बड़ा है ऑब्वियसली जिसका नंबर ज़्यादा होगा वो एंगल दूसरे एंगल से बड़ा होगा ओके नाउ लास्ट एक्सरसाइज में हमने एंगल्स uh, uh, पढ़े थे है ना सबसे छोटा एंगल होता है अक्यूट एंगल जो राइट right एंगल से छोटा होता है फिर होता है राइट एंगल राइट एंगल से बड़ा एंगल वो होता है ऑप्टूस फिर उसके बाद सब बड़ा होता है स्ट्रेट और उससे ज़्यादा बड़ा होता है रिफ्लेक्स ये वाला एंगल जो कि स्ट्रेट एंगल से भी बड़ा होता है ये एंगल्स ठीक है अब हमें अभी हमने क्या देखा राइट एंगल का मेजरमेंट कितना था राइट एंगल का मेजरमेंट था 90 डिग्री और स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट था 180 डिग्री राइट तो मैं ये कह सकता हूं कि अक्यूट एंगल राइट एंगल से छोटे होते हैं लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना सबसे छोटे अक्यूट एंगल फिर राइट एंगल उससे बड़े ऑप्टिव उससे बड़े स्ट्रेट और उससे बड़े रिफ्लेक्स एंगल्स ठीक है तो अक्यूट एंगल राइट एंगल से छोटे होते हैं और राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री तो मैं ये कह सकता हूं कि अक्यूट एंगल वो एंगल हो सक होते हैं जो कि 90 डिग्री से या राइट right एंगल से छोटे होते हैं राइट right एंगल से छोटा या 90 डिग्री से छोटा बात बराबर है ना तो अक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं अब ऑप्टिश एंगल कौन से होते हैं ऑप्टि एंगल वो होते हैं जो कि राइट right एंगल से बड़े होते हैं जो कि होते तो राइट right एंगल से बड़े हैं 90 डिग्री से बड़े हैं लेकिन स्ट्रेट एंगल से छोटे होते हैं तो ऑप्टि एंगल राइट एंगल से बड़े और स्ट्रेट uh, एंगल से छोटे मतलब ऑप्टि एंगल नाइन्टी डिग्री से बड़े और वन डिग्री से छोटे और स्ट्रेट एंगल क्या होता है वन एटी डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है जो वन एटी डिग्री से भी बड़ा हो जो कि बड़ा हो वन एटी डिग्री से ठीक है तो ये आपका ये जो कॉन्सेप्ट हमने ना पढ़ा था अक्यूट का 90 राइट एंगल से छोटा और स्ट्रेट एंगल से बड़ा इसको अब हमने डिग्री में डिफाइन कर दिया है क्योंकि राइट एंगल 90 डिग्री कर दिया और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री कर दिया तो अक्यूट एंगल्स 90 डिग्री से छोटे फिर 90 डिग्री वाले एंगल राइट एंगल्स और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो भी एंगल्स होंगे वो सारे ऑप्टूस एंगल कहलाएंगे और 180 डिग्री हुआ स्ट्रेट तो वो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा और 180 डिग्री से बड़ा कोई भी एंगल हुआ तो फिर वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है ओके नाउ अब ये जो हमारा जो एक्सरसाइज़ है बेसिकली एक्सरसाइज फाइव ठीक है ये बेसिकली इन्हीं पे बेस है और प्रोटेक्टर uh, से आपको एंगल मेजर करने हैं इस एक्सरसाइज में ठीक है तो आपका प्रोटेक्टर बिल्कुल रेडी होना चाहिए ठीक है अब इसमें ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू आप कर सकते हैं ठीक है एंड क्वेश्चन नंबर थ्री भी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर जो है उसमें आपको अलग अलग एंगल्स दिए हुए हैं जो कि आपको प्रोटेक्टर से मेजर करके आपको उनकी डिग्री लिखनी है प्रोटेक्टर से मेजर करना है और आपको डिग्री लिखनी है लास्ट ईयर हम ऑलरेडी प्रोटेक्टर को यूज करना सीख चुके हैं कि हमको प्रोटेक्टर को कैसे कहाँ पे किस एंगल पे रखना पड़ता है कौन सी वर्टेक्स से और किस लाइन से उसमें क्या मैच करना पड़ता है और कैसे उसमें एंगल हम मेजर करते हैं लेकिन अगर आपको अभी याद नहीं है कि हम प्रोटेक्टर कैसे यूज करते हैं तो मैं आपको एक रेफरेंस वीडियो भेज रहा हूँ इस एक्सरसाइज के साथ जिसमें यूज ऑफ प्रोटेक्टर इन मेजरिंग एंगल्स की प्रोटेक्टर को यूज कैसे किया जाए एंगल मेजर करने के लिए तो उसका एक छोटा सा लेसन है टू तो थ्री मिनट्स का तो अगर आपको मेजर करने में या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोटेक्टर कैसे यूज करते हैं तो आप वो वीडियो का रेफरेंस ले सकते हो राधर हम एक्चुअली पिछले साल कर चुके हैं होप आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो मैं आपको रेफरेंस वीडियो भेज रहा हूं आप उस वीडियो को देख के थोड़ा रिवीजन आ जाएगा आपको कि उनको यूज़ कैसे किया जाता है ना क्वेश्चन नंबर फाइव भी यही है आपको इन एंगल्स को मेजर करके लिखना है क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको इन एंगल्स को प्रोटेक्टर से मेजर करना है क्वेश्चन नंबर सेवन इज अबाउट इन द ब्लैंक जो भी हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़े नाइन्टी डिग्री एंगल के और स्ट्रेट एंगल के उनकी डिग्रीज के ये उस पे है ठीक है क्वेश्चन नंबर एट आपका अगेन प्रोटेक्टर से आपको ये एंगल्स मेजर करके आपको बताने हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर एट में क्वेश्चन नंबर नाइन में आपको क्लॉक के अंदर जो भी एंगल्स बनते हैं जैसे नाइन में ये दो सुइयों के बीच में क्या एंगल होगा और वन पी इन दो सुइयों के बीच में क्या एंगल होगा और 6 और 12 पे है तो आ, क्या एंगल होगा आपको ये बताना है ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन आप स्किप कर देना क्योंकि इसमें देर इज अ यूज़ ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास विच इज अ वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ अ थिंग तो ये आप इस ना क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं क्योंकि हम सबके पास अभी मैग्नीफाइंग ग्लास अवेलेबल नहीं होगा ठीक है एंड क्वेश्चन नंबर इलेवन में अगेन आपको ये सारे एंगल्स की मेजरमेंट्स और उसकी टाइप्स लिखनी है ठीक है तो इसमें आपको ये फिगर दे रखा है प्रोटेक्टर से आप इनको मेजर करते जाइए और फिर उसके बाद उनकी आप टाइप्स लिख सकते हैं ठीक तो uh, आपको दिस इज असाइनमेंट फॉर टुडे व्हिच इज एक्सरसाइज 5.4 इसके अंदर क्वेश्चन सेवन एट नाइन एंड इलेवन करना है टेंथ क्वेश्चन आपको नहीं करना है यू कैन स्किप दैट क्वेश्चन ओके तो आपको इसके अंदर टेन क्वेश्चंस करने हैं क्वेश्चन नंबर वन टू नाइन एंड द इलेवेंथ क्वेश्चन ओके okay? तो आप इसको कंप्लीट uh, uh, करके आप इसका सबमिट कराइए एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर एंड इन केस अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती या वीडियो देखने के बाद भी आपको प्रोटेक्टर को यूज़ करने में या समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कॉल करिएगा मैं आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे लेके मैं आपको सिखाऊंगा कि डी और जो प्रोटेक्टर है इसको कैसे यूज़ किया जाता है ठीक है अगर एक परसेंट भी आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है प्लीज आस्क राधर देन अगर आप गलत तरीके से पूरा इसको एक्सरसाइज को करो इससे बेटर होगा कि अगर आपको एक परसेंट भी कहीं -को कुछ डाउट है तो आप पूछ लो एंड देन यू कैन कंप्लीट द एक्सरसाइज ओके क्लास सो सो टूडेज असाइनमेंट इज योर फाइव पॉइंट फोर एक्सरसाइज जो आपको सबमिट करानी है ठीक है क्लास ओके थैंक यू